गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। मैं हूँ प्रिया और आज आपको लेके चल रही हूँ अपने साथ चित्रकूट। तो चलिए, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ, कानपुर से तो निकल चुके हैं। ये हम चल रहे हैं यमुना नदी के पुल पर, और हमारे साथ जा रही हैं हमारी दोनों मौसी, मामी, मम्मी, भैया और मामा जी। हम लोगों ने आज एकदम रैंडम ट्रिप मामा जी ने प्लान की और सब लोग तैयार हुए मॉर्निंग में। सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। 4 बजे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ये अब जा कर के मॉर्निंग हुई है यहाँ पर यमुना पुल पर, तो बहुत ही, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ व्लॉग शेयर करते हुए चले हैं। तो ये था वहाँ का इतना प्यारा व्यू नज़ारा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि मॉर्निंग का था, इसलिए अब धीरे धीरे धूप आ रही थी। तो हम लोग पहुँच रहे हैं चित्रकूट, बने रहिए। हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पहुँचने वाले हैं। ये हम सभी लोग पहुँच चुके हैं रामघाट के पास, और सब लोग बड़े ही खुश है क्योंकि इतनी देर से गाड़ी में बंधे हुए बैठे थे, सबके पैरों में हो चुका था अच्छा खासा सा दर्द। और ये मामा जी देखने जा रहे हैं कि क्या है दर्शन के लिए। ये बोला जाता है रामघाट, इसी घाट पर बैठ करके दास जी ने चंदन घिसा था, वो कहावत है तुलसीदास चंदन घिसा तिलक करत रघुवीर। तो ये पावन स्थल पर पहुंच चुके हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोग वही, अभी धूप और मौसम का, सबसे कहीं घूमने जाओ मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मम्मी और मामी जी भी इस जल को किनकने के लिए, नहाने का तो समय था नहीं, तो इस तरीके से दर्शन करके पैर छू के ही जल लिया जा रहा था। और बहुत ही प्यारी प्यारी सी नाव यहाँ पर सजा रखी थी सभी ने। वोटिंग का टाइम था नहीं क्योंकि और भी जगह दर्शन करने थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस ये था। और बहुत अच्छा नज़ारा था, ये सभी लोग खड़े होकर रामघाट का आनंद ले रहे थे। और फिर ये हम लोगों ने रामघाट की मार्केट शुरू कर दी। थोड़ा दोपहर का समय था इसलिए यहाँ के काफ़ी मंदिर बंद थे, और सारे मंदिर के दर्शन करना भी मुश्किल है आपके पास पूरा 1-2 दिन का समय हो तो। आप यहाँ पर इतने मंदिर है, हर 2 कदम पर मंदिर है, आप लोग तब दर्शन कर पाएंगे। धूप ने कर रखा था सबका बहुत बुरा हाल। और ये देखिए, जैसे इस तरीके से जीने चढ़ के पहाड़ पर ऐसे सब मंदिर बने हुए थे, लेकिन ये भरत मंदिर था। हम लोगों ने घाट के नीचे नीचे से ही अपना दर्शन किए। ये कितना भारी सा घंटा था, इसको बजाया। और यहाँ पर भी काफ़ी भरत मंदिर, मतलब सभी राम जी से रिलेटेड जो भी उनकी कहानी रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। सबसे अच्छी बात वही थी, तुलसीदास जी की बात याद आ रही थी, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुवीर। फिर हम सभी लोगों ने फोटो सेक्शन कराया, धूप इतनी ज़्यादा थी, फोकस इधर से था, किसी की भी फोटो ढंग की आ नहीं रही थी। हमने कहा कोई जैसी भी आ रही हो क्लिक कर लो यादों के लिए, मैंने भी, मेरा भी चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि अगर उस साइड से करा रहे थे तो व्यू नहीं आ रहा था। पावन चित्रकूट, और पावन चित्रकूट को लेना ज़्यादा ज़रूरी था। ये भाई साहब ने हमारे एक बढ़िया सी एक्सेसरीज खरीद ली थी, बॉक्स था, पेंसिल का सेट था। यहाँ पर पता नहीं कौन सी बात हो गई थी तो मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी। और ये यहाँ के लगे हुए थे चित्रकूट के स्ट्रीट फूड, जिसमें थी सोयाबीन और रोल कबाब ये। और मामा जी को सबसे बढ़िया देसी स्ट्रीट फूड मिल गया, वो थी बालूशाही, बड़ी ही टेस्टी थी। वो उन्होंने खाई और पैक कराई, फिर वापस से हम लोग गाड़ी में बैठे और पहुँच गए हैं अब कांतानाथ के दर्शन के लिए। अब कांतानाथ दर्शन के लिए गाड़ी पार्क कर दी है, और कांतानाथ पर्वत काफ़ी बड़ा है, उसका चक्कर लगाना तो हमें लग रहा आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन सब लोग बहुत स्पीड पकड़े हुए हैं और जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मम्मी को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उन्हें थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आराम आराम से। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं श्री कामतगिरी पर्वत पर कांतानाथ के दर्शन के लिए। हम भी भजन करते हुए सीढ़ी चढ़ रहे हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। काफ़ी भीड़ चल रही थी यहाँ पर भी मंदिर में,
और दर्शन के बाद ऐसे ही आसपास दर्शन कर लिया, क्योंकि कामतगिरी पर्वत का चक्कर लगाना मुश्किल था। यहाँ पर ही हुआ था राम जी और भरत जी का भरत मिलाप। राम जी चित्रकूट के इसी कामतगिरी पर्वत पर आकर रुके थे जब भरत जी इनको लेने आए थे, तो इसलिए इस स्थल की एक अलग ही विशेष महत्ता है। हाँ चलो 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 वापस से गाड़ी में बैठ के अब हम लोग निकल रहे थे किसी दूसरे दर्शन के लिए, हनुमान धारा के लिए। अब हनुमान धारा का व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है, और रास्ते में भी बहुत पहाड़ वगैरह मिल रहे थे, तो नेचर काफ़ी अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग भी इस धाम के दर्शन ज़रूर करिए, पहुँचिए चित्रकूट धाम। राम राम कहते हुए हनुमान जी बहुत मिले यहाँ चित्रकूट में। अभी तुम खाने वाले हो क्या प्रसाद? देखो ये देखो देखो लो तुलसी है फूल है मालाएं, लो तुलसी फूल है लो तुलसी लो तुलसी। सीढ़ियों से चलने का समय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने रोपवे की टिकट ले ली थी और वेट कर रहे थे अपना अपना नंबर आने के लिए। तब तक कि ये मामा मामी बन कर और पहाड़ को देख करके हम लोग इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कितनी दूर मंदिर है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रास्ते। तभी हम लोगों को मिले ये जय बजरंग बली, और सबसे पहले इनको नेचुरल बजरंग मूर्ति को क्या स्वयं खिलाइए तो कुछ आनंद ही और होता है। तो अब हम सब लोग बैठ रहे थे पकड़ लेना। ये रोप वे से आप लोग भी देखिए वहाँ के पर्वत का नज़ारा। हम लोग पहुँच रहे थे हनुमान धारा के दर्शन के लिए। यहाँ पर हवाओं ने भी अपना रूप बदल लिया था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ये दर्शन करना कहते हैं सोने पे सुहागा हो चुका था। फिर रोप वे से उतर के हम लोग ये सीढ़ियों से चल रहे थे दर्शन के लिए। चित्रकूट दर्शन कर लीजिए, खड़े हैं हम लोग हनुमान धारा। जय जय श्री राम। जल्दी आ भीड़ है। अगर मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे मित्र और दोस्त ऐसे ही बने रहें और बनाते रहें और जुड़ते रहिए हमारे साथ। हमें भी सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए मेरा वीडियो। सभी जगह के दर्शन करके अब हम लोग निकल चुके थे वापस अपने घर के लिए, जहाँ पर एक गाड़ी से ब्रेक लिया गया चाय पीने के लिए। तो भैया और सभी लोग चाय पी रहे थे, मैं अपने लिए नमकीन लूंगी थी, मुझे चाय अच्छी लग रही थी। ये रोड पे सबकी हालत देखो क्या हो गई। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक।